अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 21.1 जो है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें जो है नॉन रिपीटेड लीनियर इक्वेशंस है डिनोमिनेटर में, तो ये वाला एक्सरसाइज हम सॉल्व करके देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12 / x² - 9। ये क्वेश्चन वन है, एक्सरसाइज जो है हमारे पास 21.1 है। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी सॉल्यूशन के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस का जो है वो मेथड यूज करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शंस जो है होते हैं बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। ये सपोज करें कि ये कोई कंपोनेंट्स के दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का जो रिजल्टेंट जो है या सॉल्यूशन जो है ये बना हुआ है, तो इसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन में। सही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सही है, अगर ये इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में आप चेंज करना होता है। तो प्रॉपर का मतलब ये है कि वो इक्वेशन जिसके डिनोमिनेटर में पावर नोमिनेटर से ज्यादा हो तो उसको हम प्रॉपर कहेंगे। सही है, जैसे यहाँ पे देखें, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में इसकी पावर ज्यादा है, तो इसको हम प्रॉपर कहेंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम यूं लिख सकते हैं, x² - 3² लिख सकते हैं। सही है, 9 9 की जगह पे हमने 3² लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a² - b² इक्वल होता है a+b (a-b) के, तो ये हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 12 / x² - 3² की जगह पे हम x+3 और x-3 लिख सकते हैं। तो ये लिखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने होते हैं। अब जो डिनोमिनेटर में आपके जो फैक्टर्स होते हैं, ये इनको सेपरेटली एज इन अ कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना होता है। तो जब कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना होता है तो उस वक्त आप कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। जैसे अभी देखें, ये नॉन रिपीटेड लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो फर्स्ट ये वाली टर्म, सही है, ये दोनों टर्म्स को हम ए एज अ कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, a/(x+3) करेंगे। उसके बाद प्लस बी सेकेंड अल्फाबेट यूज करेंगे और सेकंड वाली जो टर्म्स हैं इसको इसके नीचे लिखेंगे, x-3 हो गया। ये स्टेप हो गया, ये बेसिकली क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। सही है, अब इसको सोल्व करने का पहला मेथड क्या होगा, हम हमेशा क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज होंगी उससे हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ, इसका नाम भी देते हैं इक्वेशन 1। सही है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, यहां डिनोमिनेटर में क्या है, x+3 एंड x-3 से हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 × x+3 और x-3 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x+3 x-3 आ गया इक्वल टू, अब a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 और x-3 ये आ गया, और नीचे डिवाइड में क्या है, a के नीचे x+3 है, ये हो गया। उसके बाद b को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम x+3 और x-3 से, इसको डिवाइड में नीचे क्या है, x-3, ये हो गया, ये स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट कराएं, x+3 x+3 x-3 x-3 ये कैंसिल, यहाँ से x+3 यहाँ से x+3 x-3 x-3 कैंसिल हो गए। जो बच गया यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड पे 12 = a(x-3) आ गया। सही है, अब नेक्स्ट जो है +b(x+3) ये रह गया, तो ये इक्वेशन 1। सही है, अब इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। इसमें से यहाँ पे जो फैक्टर्स जो आएंगे a और b के साथ, इनको कंपेयर करके हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक हमारे पास x की वैल्यू आएगी x-3 = 0, एक होगा ये वाला, तो x = 3 आ गया। यहाँ से उस साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये +3 हो गया, यहाँ -3 था उस साइड पे जाके +3। एक इस x+3 में से हम वैल्यू निकालेंगे x+3 = 0, ये x = ये +3 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 हो गया।
अब ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई, इनको हम क्या करेंगे इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं हम, सही है। अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जो है आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी है माइनस थ्री और प्लस थ्री है, ये दोनों वन बाय वन इक्वेशन टू में पुट करेंगे, सही है। तो ये है आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू प्लस थ्री पुट करेंगे हम इक्वेशन टू में, सही है। तो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, ट्वेल्व इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री। अगर हम इसमें एक्स इक्वल टू थ्री पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वेल्व एज इट इज आएगा इक्वल टू ए इंटू एक्स, एक्स की जगह पे थ्री पुट करें, माइनस थ्री ऑलरेडी है ये वाला, सही है। उसके बाद प्लस बी इंटू एक्स की जगह पे थ्री पुट करेंगे प्लस थ्री, तो ये ट्वेल्व इक्वल टू ये थ्री कैंसिल होके जीरो हो गया, जीरो को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म जीरो हो गया। उसके बाद प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई बाई बी सिक्स बी लिख सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो है बी की वैल्यू, तो बी इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्स, तो बी इक्वल टू सिक्स वन सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो टू आ गया, बी की वैल्यू हमें मिल गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पुट करेंगे इक्वेशन टू में, तो ये ट्वेल्व एज इट इज आएगा इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे है एक्स माइनस थ्री, एक्स अभी हम क्या पुट कर रहे हैं माइनस थ्री, और यहाँ पे माइनस थ्री ऑलरेडी पहले से भी है तो माइनस थ्री हो गया। उसके बाद प्लस बी इंटू यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस थ्री और एक प्लस थ्री यहाँ पे है, सही है, ये हो गया। अब देखें ये ट्वेल्व एज इट इज आएगा इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री सेम साइन है तो प्लस ओके, माइनस सिक्स हो जाएंगे, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस सिक्स ए हो जाएगा ये, सही है। अब उसके बाद प्लस, ये प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, और इसको हम जीरो से बी को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ गया, सही है। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, ट्वेल्व इक्वल टू माइनस सिक्स ए आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है जिस चीज में वो है ए की वैल्यू में, ये वाली टर्म यहाँ पे लेके आए, इसको वहां शिफ्ट करें तो ये यहाँ माइनस में इस साइड पे आके प्लस सिक्स ए हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस ट्वेल्व है तो वहां पे जाके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। तो ए इक्वल टू माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सिक्स, ये सिक्स नीचे डिवाइड में जाएगा, सिक्स वन सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो ए इक्वल टू माइनस टू आ गया। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन। हमारे पास इक्वेशन वन क्या था, ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ये इक्वल लिखा था ए डिवाइडेड बाय ए, ए क्या आया अभी माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, ए क्या हुआ। उसके बाद प्लस बी क्या आया हमारे पास, टू, तो टू डिवाइडेड बाय यानी बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन वन का, सही है। तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।